करते हैं। क्या कारण बना श्रोतों में इतने उदास होकर के आए हैं? आज हमारे साथ जो हुआ है, मुझे आशा है तुम हमारे हर समय जिस प्रकार से साथ देती हो ठीक उसी प्रकार से मेरा भी साथ होगी। एकदम से रानी तारा कहने लगी, क्या हुआ स्वामी, आप बताते क्यों नहीं? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी एक संत आए हैं, उन्होंने हमसे दान मांगा, दान और दान में मैंने कुंजी और लगाम दे दी, जिससे सारा राजपाट उनका हो गया। राज जाने का दुख नहीं है रानी, राज जाने के बाद भी हम कर्जदार हैं, ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए रानी सात बार सोना हमारे सर पे कर्ज है और मुझे हर हाल में महाराज का पटाना है। रानी क्या तुम हमारे साथ बिकने के लिए चल सकती हो? हम बिक करके ब्राह्मण का कर्ज अदा करेंगे। उसी समय महारानी तारा कहने लगी, महाराज क्या कह रहे हो, ये कहोगी हमारे साथ? अरे ये क्या बात कह दी तुमने, अरे ये शरीर नहीं, अरे ये तन ही नहीं, बल्कि सर्वस्व मेरा आपके लिए है स्वामी। पहले
के मेरे शरीर को बेच दीजिए। उसी समय पुत्र रोहित भी आ जाता है। पुत्र रोहित आता है तो कहता है, पिताजी मैं यह बिकने के लिए तैयार है, मैं भी चलूंगा आपके साथ में, मैं भी बिकने के लिए तैयार हूँ। और मैया थोड़ा बच्चों का ध्यान रखे, छोटा सा बालक है पीछे रो रहा है, किसका है, जिस किसी मैया का हो थोड़े बच्चों का ध्यान रखे। हाँ अभी तो यहाँ कोई भी पब्लिक है नहीं इतनी ज्यादा, फिर भी बच्चे बोल रहे हैं, अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। आज महाराज इसी समय हुआ क्या, महारानी तारा पुत्र रोहितास और महाराज हरिश्चंद्र जब चले हैं बिकने के लिए, आज तीनों प्राणी महाराज विश्वामित्र के समक्ष खड़े हो गए हैं और कहते हैं, मुनिवर आप हमें ले चलिए देखने के लिए, हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं। रानी से कहा है, रानी ये राजसी वस्त्र उतार करके आज हमें दास बन करके नगरी से जाना है। पुत्र रोहितास से कहा है, बेटा ये राजसी वस्त्र उतार दो और साधारण बालकों की तरह हमें इस नगरी से जाना है। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने अपने मुकुट को उतारा है, पुत्र रोहितास ने अपने राजसी वस्त्रों को उतारा है, उतार करके जिसमें साधारण रूप धारण किया है महाराज हरिश्चंद्र ने और चले हैं।